हेलो फ्रेंड्स, नक बैटमैन द मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ अवर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। कोई भी प्लेयर गेम को जब स्टार्ट करता है, वो नूब या प्रो बाद में होता है। पहले कोई भी प्लेयर हमेशा नूब या प्रो या अच्छा या बुरा, वो हमेशा अपनी माइंडसेट से होता है। जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरीके से आपको गेम सेंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरीके से अपने स्क्वाड के साथ आपका सिनर्जी अच्छा बैठाना ज़रूरी है, उसी तरीके से आपका माइंडसेट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्लेयर हमेशा स्ट्रांग अपने माइंड से ही होता है और हमेशा वीक अपने माइंड से ही होता है। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन यार मेरे अंदर रिजल्ट नहीं दिखता, बहुत सारे प्लेयर बोलते हैं ना। तो यही एक रीज़न है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट एग्जैक्ट में होता क्या है जब आप गेम को खेलते हो। आपने कभी इसको नोटिस किया है? बहुत सारे प्लेयर जब सीजन के स्टार्टिंग होता है ना, तो उनका माइंडसेट क्यों हो जाता है कि बड़ा संभल के खेलना है भाई, मैं नहीं तो मेरा जो रैंक है वो गिर जाएगा, बड़ा संभल कर खेलना है, नहीं तो मेरा KD डाउन हो जाएगा। तो आपका माइंडसेट आपका यहाँ पर पहले ये शो कर भाई डरो, आप डरने लग जाते हो कि आपका यार KD खत्म हो जाएगा, आपका रैंक यार खराब हो जाएगा, आपका आप क्राउन पर होते एक तरीके से आप डायमंड पे आ जाओगे, प्लेटिनम पे आ जाओगे, तो आप डरने लग जाते हो। तो आपका माइंड ना बोलने लगता है डरो डरो डरो, आप डर डर के खेलने लग जाते हो। तो आपको क्या वहाँ पर करना है कि आप हमेशा अपने अंदर से ये बोलो कि KD जाए भाड़ में, रैंक जाए भाड़ में, पहले मैं खुद को अंदर देखूँ, खुद के अंदर मैं झांक कर देखूँ कि मैं हूँ क्या, मैं किस काबिल हूँ, मैं डिज़र्व क्या करता हूँ। मैं KD डिज़र्व करता हूँ तो KD ऑटोमेटिकली मेरी बन जाएगी। मेरा रैंक, अगर मैं रैंक पुश डिजर्व करता हूँ तो मैं रैंक पुश कर लूँगा मुझे जब टाइम मिलेगा। मैं एग्जैक्ट में प्रेजेंट टाइम में मेरे अंदर क्या चीज़ अभी इम्प्रूव मुझे करना है, आपको ये नोटिस करना है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊँ, माइंड लेवल पर बंदे कहाँ कहाँ वीक होते हैं, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपने नोटिस किया होगा आपके लॉबी में हमेशा कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर होगा, जब आपके लॉबी में कोई अच्छा यूट्यूबर आ गया हो या कोई अच्छी क्लेन आ गई होगी आपके क्लासिक लॉबी के अंदर, तो यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे डरने लग जाते हैं, क्योंकि वो डरते तब हैं क्योंकि उन प्लेयर ने अपने माइंड में उस क्लेन को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ भर कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ना अपने माइंड में हवा क्रिएट कर रखा हुआ है कि यार ये क्लेन बहुत यार हार्ड है, या ये बंदे बहुत हार्ड है। हालांकि आप भी एक अच्छे प्लेयर हो, आपको पता भी है कि हाँ मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं उनको अच्छी तरीके से टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन जो आपकी माइंड में जो उनके खिलाफ ना जो एक तरीके से जो बैठा कर आपने रखा हुआ है कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो क्लेन बहुत अच्छी है, तो आप एग्जैक्ट में हार वहीं जाते हो, आप वहीं डरने लग जाते हो, तो आप उनसे अच्छी तरीके से कंपटीशन कर ही नहीं पाते। जब आप वहाँ कंपटीशन नहीं कर पाओगे तो आप अंदर से ना आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमेशा अपने माइंडसेट को अच्छा रखो, अपने अंदर एक अच्छा बिलीफ सिस्टम रखो, खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया पर बिलीव करें ना करें, आपके टीममेट्स आप पर बिलीव करें ना करें, लेकिन आप खुद से साइलेंटली अपने अंदर बिलीव रखा करो कि मैं एक बेस्ट प्लेयर हूँ और मैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और इम्प्रूव करूँगा और इम्प्रूव करूँगा और मैं एक दिन एक बेस्ट प्लेयर बनूँगा। और आप बेस्ट प्लेयर हो भी। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा उन प्लेयर्स का, जो प्लेयर्स ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं, जो प्लेयर्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस वगैरह खेलते हैं, उनके अंदर क्या खामियां होती हैं कि अगर वो कोई भी टूर्नामेंट रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद उन्होंने पहले अपना क्वालिफायर राउंड निकाल लिया, चलो ठीक है, उन्होंने लकीली एक अच्छा क्वार्टर फाइनल भी मैच निकाल लिया, ठीक है, लेकिन वो हारते तब हैं जब वो कभी सेमीफाइनल में जाते हैं। और वो कब हार जाते हैं पता है? यह नोटिस करने वाली बात है, वो वहाँ पर तब हारते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके सामने कोई भी अच्छी इन्वाइटेड टीम्स आई हुई हैं। वहाँ पर वो ये खुश नहीं होते कभी भी सोचकर कि यार वो इन्वाइटेड टीम्स जो आई हैं हमें उनके उनसे लड़कर अच्छा खासा कुछ सीखने को मिलेगा, या उनसे हम फाइट करेंगे तो उनसे फाइट हम निकाल लेंगे, हम भी एक अच्छे प्लेयर हैं, जब हम से क्वार्टर फाइनल निकाल सकते हैं, जब हम क्वालिफाई राउंड निकाल सकते हैं, तो हम पहले से ही और उससे बेटर हैं, तभी ना हम यहाँ पर सेमीफाइनल तक पहुँच पाए हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से सोचना है। लेकिन वहाँ पर जो बंदे क्या सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्लेन में जो बंदे आए हुए हैं या जो ये टूर्नामेंट में जो बंदे आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, या उन बंदों को फेस करना मेरा बहुत ज़्यादा बुरा है। तो वहाँ पर आप गेम में बाद में हारते हो, आप पहले अपने माइंड से ही हार जाते हो, अपने माइंड में आप उन प्लेयर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक्स क्रिएट कर लेते हो, या बहुत गलत गलत चीज़ें क्रिएट कर लेते हो, जिसकी वजह से आप उनसे फाइट अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाते। अब वो पता लग जाता है कि यार इस ड्रॉप पे वो बंदे आ गए हैं या वहाँ वहाँ पर वो बंदे हैं, तो हम कैसे खेलने हैं, तो आप खेल नहीं पाते हो, अपना 100% आप दे ही नहीं पाते हो। आप जैसे पहले खेलते थे उस तरीके से आप नहीं खेल पाते। तो आपको पहले अपने माइंड से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे फ्यूचर में इस लेवल का या हम पर या BGIS लेवल का हमको गेम खेलना है या हमको PGM GC में जाना है,
तो अगर आपका छोटी मोटी चीज़ों से आपको डर लगेगा, छोटी मोटी आपको टूर्नामेंट में कुछ कुछ क्लेन से आपको डर लगेगा, तो आप कभी अच्छा नहीं फेस कर पाओगे। अभी आपको अच्छी अच्छी टीम को फेस करना है, उसके लिए आपका आपको अपने माइंड से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के अंदर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी स्क्वाड को कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आती हैं गेम से बहुत पहले। आप गेम तो बाद में स्टार्ट करते हो, पहले ये सारी चीज़ों से आपको हमेशा क्लियर होना होगा, अपने आप को हमेशा अच्छा समझना होगा, खुद से बोलना होगा कि मैं एक बेस्ट प्लेयर हूँ, मेरी टीम बेस्ट है, हम डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करके और बेस्ट बनाएंगे, आपको ये सोचना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हमेशा मैं इसी तरीके से वीडियो चलाता रहता हूँ जिससे कि आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओ और ई स्पोर्ट में कुछ अच्छा कर पाओ। चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय।